न्यूक्लियर ब्रेन स्कैन, जिसे न्यूक्लियर मेडिसिन ब्रेन स्कैन या स्पेक्ट यानी सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी ब्रेन का स्कैन भी कहा जाता है, ये एक इमेजिंग टेस्ट की किस्म है जो दिमाग की तस्वीर बनाने के लिए थोड़ी मिकदार में रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करती है। स्कैन के दौरान रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक छोटी सी मिकदार, जिसे रेडियो ट्रेसर भी कहा जाता है, आपके बाजू की रग में इंजेक्शन लगाया जाता है। रेडियो ट्रेसर आपके खून के बहाव और आपके दिमाग में फैल जाता है, जहां ये गामा श्वाएं खारिज करता है। इन गामा श्वाओं को एक खास कैमरे से डिटेक्ट किया जाता है, जो रेडियो ट्रेसर्स की तकसीम की बेस पर दिमाग की तस्वीर बनाती हैं। न्यूक्लियर ब्रेन स्कैन का इस्तेमाल दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे ट्यूमर, फालेज, अल्जाइमर डिजीज और मिर्गी यानी एपिलेप्सी। इसका इस्तेमाल ब्रेन में खून के बहाव का जायजा लेने के लिए और बाद हालात के इलाज का असरात का जायजा लेने के लिए भी किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी। यहाँ ये नोट करना ज़रूरी है कि न्यूक्लियर ब्रेन स्कैन में थोड़ी सी मिकदार में रेडिएशन शामिल होती है, लेकिन नुकसान का खतरा आमतौर पर कम होता है। आपका डॉक्टर खतरात के खिलाफ स्कैन के मुमकिन फवायद का तयन करेगा और आपकी फिजिकल कंडीशन की बेस पर आपको टेस्ट एडवाइस किया जाएगा। मखसूस हालात में डॉक्टर की तरफ से एक सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी ब्रेन स्कैन की सिफारिश की जाती है, जिसमें शामिल है नंबर एक ब्रेन इमराज की तशखीस यानी कि दिमागी इमराज की तशखीस। स्पेक्ट स्कैन ब्रेन यानी दिमागी इमराज की मुख्तलिफ अकसाम की तशखीस में मदद कर सकते हैं, जिनमें अल्जाइमर की बीमारी है, पार्किंसन की बीमारी यानी पार्किंसन डिजीज़, एपिलेप्सी और पैरालिसिस। स्कैन में खून के बहाव और ब्रेन की एक्टिविटीज़ में तब्दीलियों को जाहिर कर सकता है, जो डॉक्टर्स को सिम्टम्स की बुनियादी वजह की निशानदेही करने में मदद करते हैं। नंबर टू, इलाज की प्लानिंग। ये स्कैन डॉक्टर्स को बाज ब्रेन इमराज जैसे मिर्गी के इलाज के बेहतरीन कोर्स की प्लानिंग करने में मदद कर सकते हैं। गैर मामूली ब्रेन एक्टिविटी के इलाकों को निशानदेही करके डॉक्टर इन इलाकों को दवाओं या दीगर इलाज से डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। नंबर थ्री, निगरानी का इलाज। स्पेक्ट स्कैन का इस्तेमाल दिमाग के बाज बीमारियां जैसे दिमाग के ट्यूमर के इलाज के असरात की निगरानी के लिए भी कर सकते हैं। इलाज से पहले और बाद में लिए गए स्कैन्स का मवाजना करके डॉक्टर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया इलाज सही काम कर रहा है या नहीं, और अगर ज़रूरी हो तो इलाज की प्लानिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर फोर, रिसर्च। ब्रेन फंक्शन और दिमाग के मुख्तलिफ बीमारियों की बुनियादी मैकेनिज्म को बेहतर तौर पर समझने के लिए रिसर्च स्टडीज़ में स्पेक्ट स्कैन का इस्तेमाल एक बेहतरीन टूल समझा जाता है। यहाँ ये नोट करना ज़रूरी है कि स्पेक्ट स्कैन ब्रेन स्कैन मामूल की डायग्नोस्टिक टूल नहीं है और सिर्फ इस सूरत में तजवीज़ किया जाता है जब दूसरे टेस्ट तशखीस या इलाज का प्लान बनाने के लिए काफ़ी मालूमात फराहम ना कर रहे हों। आपका डॉक्टर इस बात का तयन करने में आपकी मदद कर सकता है कि आया आपकी फिजिकल कंडीशन के लिए स्पेक्ट स्कैन मुनासिब है या नहीं। स्पेक्ट स्कैन के बारे में जो चीज़ मुनफरिद है वो ये है कि ये सिर्फ साख्ती तस्वीर के बजाय यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट के बजाय दिमाग का फंक्शनल फॉर्मेट आपको दिखाता है। ब्लड फ्लो और ब्रेन एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाकर स्पेक्ट स्कैन ब्रेन फंक्शन के बारे में कीमती मालूमात फराहम कर सकता है। ये ख़ास तौर पर मिर्गी यानी एपिलेप्सी, अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ जैसे हालात की तशखीस और निगरानी में मुफीद हो सकता है, जो ब्रेन फंक्शन को मुतासर कर सकते हैं। इन हालात के इलाज के असरात के जायजा लेने के लिए स्कैन भी स्पेक्ट स्कैन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्पेक्ट स्कैन में दिखा सकता है कि कोई दवा दिमाग के किसी हिस्से को मुतासर तरीके से निशाना बना रही है या सर्जरी ने ब्रेन ट्यूमर को कामयाबी से हटाया है। खुलासा ये है कि बस स्पेक्ट स्कैन ब्रेन स्कैन का मुनफरिद पहलू है, ये दिमाग के बारे में फाल मालूमात फराहम कर सकता है। इसका इस्तेमाल ब्रेन अमराज की तशखीस और निगरानी के इलाज असरात का जायजा लेने के लिए भी किया जा सकता है। शुक्रिया।